इस्लामिक मुल्क अगर कुछ करे तो ठीक, अगर नॉन मुस्लिम मुल्क कोई इस्लाम के या मुसलमानों के खिलाफ या कोई ऐसी चीज करे तो वो गलत। मैम ये देखें उनका मुल्क है वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि तो इंडिया का मुल्क इंडिया जो मर्जी करे। नहीं वो कैसे कर सकते हैं, हमारा मुसलमान भी तो उधर है ना, हमारा थोड़ी आवाम इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ रह गया, उन्हीं का नहीं वो आ भी सकता, ये नहीं। आई थिंक सो इट्स अ गुड डिसीजन बिकॉज जब आप मतलब फुली आप रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस की सिर्फ आपको जो है वो एजुकेशन दी जाती है, तो उन बेसिस पे फिर आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा डीप नोहा होने लग जाती है, और जब डीप नोहा होती है तो बाहर आके लिबरलिज्म को ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर जो ये अभी रिसेंटली हमारे पास इंसिडेंट्स क्रिएट हुए हैं इचरेमो, तो वो फिर उस किस्म के ही इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ टेररिज्म जो वो क्रिएट कर देते हैं ना, क्योंकि वही बात है कि छोटे बच्चे होते हैं उनके माइंड को शेप करना बहुत आसान होता है और उनको मिसयूज़ किया जाता है मिसगाइड करके। जो भी हमारे हों या किसी मुल्क के भी हों, है तो मुसलमान है ना, वो कैसे हो सकता है वो दहशतगर्दी सहा रहे हैं या और कुछ गन्ने पकड़ नहीं सका रहे हैं, तो इस्लामी मुल्क है ना वो ऐसे। नमस्कार दोस्तों, की रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मदरसे बंद हो जाएंगे, ये हाई कोर्ट का डिसीजन है। जब इसके बारे में पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया कि लड़कियां कहने लगी अच्छा है मदरसे बंद हो जाए, ये आतंकवाद को फैलाते हैं, वहीं कुछ कट्टरपंथी ये सुनकर भड़क गए। तो दोस्तों देखते हैं वीडियो, फिर बात करेंगे हम वीडियो के टॉपिक पर। उन्होंने कहा है कि उनका कहना है कि मदरसे में पढ़ने से जो बच्चे हैं वो दहशतगर्दी सीख रहे हैं, वो जो है मौलाना कुछ और सिखा रहा है और अपना जो सिर्फ है रोजी और रोटी का पेट पाल रहा है, क्या वो सही कह रहे हैं, क्या वो क्या क्या कह रहे हैं? नहीं ये मैडम ये सब झूठ है, ठीक है, ये जो भी हमारे हों या किसी मुल्क के भी हों, है तो मुसलमान है ना, वो कैसे हो सकता है वो दहशतगर्दी सहा रहे हैं या और कुछ गन्ने पकड़ नहीं सका रहे हैं, तो इस्लामी मुल्क है ना वो ऐसे तो नहीं हो सकता, जो हदीस अल्लाह पाक ने दी है हम उल्ट करते हैं, ये तो अल्लाह ना करे ऐसा वक्त नहीं आएगा। पाकिस्तान कुछ कर सकता है मुसलमान बच्चों के लिए वहाँ पे जो ये अभी फैसला हुआ उनकी जानिब से? ये देखें ये अगर कदम उठाएंगे ना तो हम रोड पे आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल कदम से हम हर रोड ब्लॉक कर देंगे, इनको पता चल जाएगा कि हम मुसलमान कितने परजोश है। यहाँ पर रोड ब्लॉक करने से क्या होगा, उनको तो घंटा फर्क नहीं पड़ना? नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, करेंसी में फर्क पड़ेगा, एक चीज बंद होगी तो वैसे कुछ नहीं है यहाँ पे बॉर्डर से, तो वैसे ट्रेड बंद है, तो हमारी हुकूमत तो है ना ऊपर, वो तो कुछ करेगी या नहीं करेगी? आपको लगता है करेगी? इंशाल्लाह करेगी, क्यों नहीं करेगी। क्या लगता है कि अगर हम इंडिया से हट के सऊदी की भी बात करें तो इस टाइम सऊदी अरेबिया के अंदर भी मुसलमानों के लिए काफी ज्यादा तंगी की जा रही है, वहाँ पर मस्जिद का लाउड स्पीकर बैन कर दिया गया, काफी चीजें ऐसी की जा रही है, क्या लगता है सऊदी तो मुस्लिम ममालिक है फिर वो क्यों इंडिया के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? मैम देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस्लामी मुल्क है हमारा, ठीक है, कहने में कुछ है देखने में कुछ है, आप कह रहे हैं वो बंद कर दे, मैं नहीं समझता ये बंद हो सकता है। पिछले रमजान में बंद कर दिया था लाउड स्पीकर, उन्होंने कहा था कि महसूस चलेगा लाउड स्पीकर पे कोई ऐसी मतलब एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताई जाएगी। मैडम ये भी वजह हो सकती है, वो दहशतगर्दी भी फैल सकती है ना, इसकी वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है एहतराम से जो मर्जी करो। लाउड स्पीकर से कौन सी दहशतगर्दी फैलेगी? मैडम ठीक है वो उनका हक है, क्योंकि उनका मुल्क है हमारा, इस्लामिक मुल्क अगर कुछ करे तो ठीक, अगर नॉन मुस्लिम मुल्क कोई इस्लाम के या मुसलमानों के खिलाफ या कोई ऐसी चीज करे तो वो गलत। मैडम ये देखें उनका मुल्क है वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि तो इंडिया का मुल्क इंडिया जो मर्जी करे। नहीं वो कैसे कर सकते हैं, हमारा मुसलमान भी तो उधर है ना, हमारा थोड़ी आवाम इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ रह गया, उन्हीं का नहीं वो आ भी सकता, ये नहीं कि दहशतगर्दी उधर ज्यादा बढ़ रही है, जंग लगी रहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर भी हो सकता है। बुलाना वो बुला लेते हैं, इंडिया ने सारे हिंदुओं को बुला लिया, उन्होंने कहा कि यहाँ आओ हम आपको सिटीजनशिप देंगे, हमारे हो आप लोग, उन्होंने बुला लिया ना पाकिस्तान से भी चले गए, तो पाकिस्तान भी मुसलमानों को बुला ले। देखें पाकिस्तान में मुसलमान को बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान वहाँ पर एक कानून उत्तर प्रदेश में उन्होंने पास किया है, हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई अब जो मदरसे के स्टूडेंट है ना सारे मदरसे बंद और वो शिफ्ट कर जाए रेगुलर स्कूल्स में, अब वो स्कूल की तालीम लेंगे मदरसे में नहीं जाएंगे, क्या उन्होंने सही किया? आई थिंक सो इट्स अ गुड डिसीजन बिकॉज जब आप मतलब फुली आप रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस की सिर्फ आपको जो है वो एजुकेशन दी जाती है, तो उन बेसिस पे फिर आपको चीज़ों की बहुत ज्यादा डीप नोहा होने लग जाती है, और जब डीप नोहा होती है तो बाहर आके लिबरलिज्म को ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि अरबिक जो है वो सिर्फ कुरान पाक नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज में जो है वो नॉर्मली मतलब आप अगर हम बात करें तो इंस्टा की बायोज होती हैं, व्हाट्सएप की बायोज होती हैं, वहाँ पे मोस्टली लोगों ने स्पेनिश या कुछ इस किस्म के अरबिक में भी लगाए होते हैं, तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अरबिक जो है वो एक लैंग्वेज है, और जरूरी नहीं है कि कहीं पर अगर अरबी लिखी हो तो वो कुरान पाक की लिखा हो। रिसेंट एक वाकया भी हुआ था सऊदी अरेबिया के अंदर, एक आदमी था जो कि पाकिस्तान से शायद गया हुआ था, तो उसके वॉशरूम के बाहर अरेबिक लिखी हुई थी, उसको चूमने लग गया। सऊदी एज एन इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक रिपब्लिक जो है ना, जहाँ तक मैंने मतलब देखा है और मेरी उसकी नॉलेज है ना, तो वो एक बहुत ज़्यादा लिबरल कंट्री है, जबकि इस्लाम में दुबई को देख लें, आप टर्की को देख लें, वहाँ पर अगर मैं मतलब इस चीज़ को देखूँ ना तो वो उसको आप कहीं से इस्लामिक स्टेट नहीं कह सकते हैं, वहाँ के मतलब आप कल्चर्स देख लें वहाँ पर मतलब वट एवर इट्स हराम इज इस्लाम, वो वहाँ पर कॉमनली होता है, ओपनली होता है, तो उस चीज़ को भी देखना चाहिए, एक सेंस क्रिएट करनी चाहिए कि इस्लाम बेसिकली देता है, इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि ये मदरसों में पढ़ा पढ़ा के उसको इतना स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, इस्लाम में इतनी पाबंदी नहीं है जितनी पाबंदियां वो सिखा देते हैं उनको, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं और उनका माइंड जो है वो शेप करना बहुत आसान होता है, तो वो ज़्यादातर ये होता है कि वो उसको गलत तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है कि दे आर चिल्ड्रन, हम इनके माइंड को जिधर शेप करेंगे उस तरीके से शेप हो जाएंगे, तो वो उसको जो है इधर उधर कहीं पर भी लगा देते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया ने एक दाम उठाया है, क्या पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज्म आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे वाक़ात होते हैं जो कि हम दुनिया के अंदर अपना मजाक बनता हुआ देखते हैं, जैसे हिस्ट्री के अंदर वाक़ा हुआ, फिर जनावाला के अंदर हुआ, काफ़ी चीज़ों को इस तरह से क्या ठीक करने की जरूरत है? लिबरलिज्म तो आई थिंक हमारे पास पहले ही बहुत है, लाहौर तो वेल नोन कंट्री, वेल नोन है ना, लाहौर है या फिर शायद इस्लामाबाद है बस, नहीं आप पिशावर चली जाएं। हाँ इट्स अ लिबरल लाहौर, मतलब आपको नहीं पता, आपको फील नहीं होगा कि आप पिशावर में आई हैं, मतलब हयातबाद में आप चली जाएं सारा कुछ देखें तो वो
प्रॉपर एक लिबरल हो चुके हैं। हाँ, जो चीज़ हमें करने की ज़रूरत है वो एक सेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी हमें चाहिए, जिन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, और दूसरा ये सेंस क्रिएट करनी चाहिए कि अरबिक इज़ नॉट ओनली द कुरानिक लैंग्वेज। हाँ, इट वॉज द लैंग्वेज, इसको इसलिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि एट दैट टाइम जब कुरान पाक नाजिल किया गया था तब के लोग जो है वो सिर्फ अरबी बोलते थे, उनको समझने में बहुत आसानी थी, तब इसीलिए जो है अल्लाह अलमाइटी चोज़ अरबिक लैंग्वेज। प्रोग्रेसिव है कि इंडिया ने ये कर डाला वो कर डाला, नहीं, उनको समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने एक हद तक ठीक किया, क्योंकि अगर हम देखें तो वो फिर इट्स काइंड ऑफ अ टेररिज्म जो वो क्रिएट कर देते हैं ना, क्योंकि वही बात है कि छोटे बच्चे होते हैं उनके माइंड को शेप करना बहुत आसान होता है और उनको मिसयूज़ किया जाता है मिसगाइड करके, तो 80% तक अगर देखा जाए तो उन्होंने ठीक किया। हाँ, बाकी अगर स्कूल्स में तो वहाँ पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बात मदरसे की हो रही थी या अरबी के बारे में क्यों बात करने लगे। दोस्तों कुछ समय पहले पाकिस्तान में एक महिला अरबी में कुछ लिखी हुई ड्रेस पहनकर मार्केट में घूम रही थी, तब कट्टरपंथियों ने उस लड़की को पकड़ लिया। लड़की से कहने लगे कि तुमने अरबी भाषा का अपमान किया है, तुमने ये गुनाह किया है, तुमको इसकी सज़ा मिलेगी। दोस्तों ये बात इतनी बढ़ जाती है कि उस लड़की को बचाने के लिए पुलिस को आना पड़ता है। ये बात इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान मीडिया में बहुत उछाला जाता है। दोस्तों ये पाकिस्तान के कैसे जाहिल लोग हैं, जहाँ भी अरबी भाषा लिखी होती है उसको चूमने लग जाते हैं। इसलिए एक लड़की कह रही थी कि अरबी एक भाषा है, इससे कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक भाषा है, इससे कुरान भी लिख सकते हैं, इसको ज़्यादा स्पेशल नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पर लड़की ने कहा है कि जो मदरसे होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे के दिमाग के अंदर इतना जहर भर दिया जाता है कि वो कट्टरपंथी बन जाते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। इसी में आपने देखा कि एक बंदा है जो कह रहा था अगर ऐसा हो जाएगा तो हम रोड ब्लॉक कर देंगे। अरे भैया, रोड ब्लॉक करे या आग लगा दो, हमें क्या, तुम्हारा देश है, तुम कुछ भी करो। हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक का राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं मिल पाता है। ये बच्चे मदरसे में पढ़ने की वजह से इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं और आधुनिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा है कि इनका अधिकार है राइट टू एजुकेशन को इनको मिलना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और ऐसे रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।